हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सात जोजा हज़रत फ़ातिमा बिनत अबू मसूद खजरजी अंसारी, हज़रत खौला बिनत मंजूर फज़ारिया कूफ़ी, हज़रत सलमा बिनत अमरुल क़ैस, हज़रत उम्मे इसहाक़ बिनत तलहा ताइमी, हज़रत हब्दा बिनत हुबैरा मखज़ूमी, हज़रत आयशा बिनत हज़रत उस्मान उमवी, हज़रत उम्मे कुलसूम बिनत फ़ज़ल इब्ने हज़रत अब्बास मुत्तलबी, और 18 औलादों का ज़िक्र मिलता है जिनमें 6 शहज़ादियाँ हज़रत सैयदा फ़ातिमा, हज़रत सैयदा उम्मुल खैर रमला, हज़रत सैयदा उम्मुल हसन, हज़रत सैयदा उम्मे सलमा, हज़रत सैयदा उम्मे अब्दुल्ला, हज़रत सैयदा रुकैया, और 12 शहज़ादे हज़रत सैयदना ज़ैद, हज़रत सैयदना इमाम हसन मुसन्ना, हज़रत सैयदना हुसैन अल असरम, हज़रत सैयदना उमर, हज़रत सैयदना कासिम, हज़रत सैयदना तलहा, हज़रत सैयदना इस्माइल, हज़रत सैयदना हमज़ा, हज़रत सैयदना याकूब, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान, हज़रत सैयदना अब्दुल्ला, हज़रत सैयदना अबू बकर थे। हज़रत इमाम हसन अल-मुश्तबा अलैहिस्सलाम की नस्ल हज़रत हसन मुसन्ना, हज़रत ज़ैद, हज़रत उमर और हज़रत हुसैन अल असरम से आगे बढ़ी, लेकिन अब दुनिया में हज़रत इमाम हसन मुसन्ना और हज़रत ज़ैद की औलादें बाकी हैं। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के इन शहज़ादों में हज़रत ज़ैद के अलावा सभी मारकाए करबला में अपने चचा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर क़ुरबान होने के लिए शामिल हुए और जाम शहादत नोश फरमाया, लेकिन मशियत खुदावंदी के तहत हज़रत इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम बच गए, जिनसे हज़रत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का सिलसिला ख़ानदान पूरी दुनिया में फैल गया। हज़रत इमाम हसन मुसन्ना अलैहिस्सलाम जो हज़रत ज़ैद से छोटे थे, इनकी वालिदा सैयदा खौला बिनत मंजूर फज़ारिया कूफ़ी थी, ये हमशक्ल इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम थे, इसीलिए इनका नाम हसन मुसन्ना रखा गया। आपको मौला अली अलैहिस्सलाम के वसीयत के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम के सदक़ात का मुतवल्ली बनाया गया था। तमाम तबर्रुकात मौला अली, जिसमें ज़ुल्फ़िकार अली भी शामिल थी, आप ही के पास मौजूद थी, और आप ही मौला अली इमाम हसन व इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद ज़ैदी इमाम मुकर्रर किए गए। आपकी शादी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी शहज़ादी सैयदा फ़ातिमा सुग़रा से किया, जिनसे आपके 3 शहज़ादे पैदा हुए, जिनमें सबसे नुमाया हस्ती हज़रत अब्दुल्ला अल-महाज़ अलैहिस्सलाम की थी, जो हम शक्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप अपने वालिद के बाद उनके जानशीन हुए। हज़रत अब्दुल्ला अल-महाज़ अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत अबू उबैदा असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुख्तर सैयदा हिंद से हुई, जिनसे आपके 3 शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद महदी नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम नफ्स रज़िया अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना मूसा अलजौन अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपके दूसरी बीवियों से भी कई फ़र्जंद हुए, लेकिन आपके तमाम औलादों में सबसे नुमाया हस्ती हज़रत इमाम मोहम्मद महदी नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम की है, जो तहरीक अलवी के बानी हसनी व ज़ैदी इमाम और अपनी इबादत व रियाजत और मलकूती नफ्स की वजह से नफ्स ज़किया कहलाए जाते थे। आपसे बैत करने वालों में आपके तमाम भाइयों समेत
तमाम आले हसन आले हुसैन और तमाम हिजाज व अरब शामिल था, जिसमें इमाम आज़म अबू हनीफा और इमाम मालिक समेत कई नामवर शख्सियत मौजूद थी। हज़रत इमाम मोहम्मद नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम को सन 145 हिजरी में जाफ़र अल मंसूर अब्बासी ने मदीने मुनव्वरा के करीब मकाम अहजरु ज़ैद में शहीद करवा दिया, जिसकी ख़बर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को और मौला अली अलैहिस्सलाम ने अखबार ग़ैबिया में पहले ही दे दी थी। हज़रत इमाम मोहम्मद नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम से सिलसिला व ख़ानदान सादात क़ुतबी है, और इस सिलसिले आलिया क़ुतबिया से सिलसिले क़ादरिया भी वजूद में आया, जो हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। वो इस तरह के हज़रत इमाम नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम से बैत खलाफत पाने वालों में आपके छोटे भाई हज़रत मूसा अल जौन अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं, जो हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल क़ादिर बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जद्द आला हैं, जिनसे ये सिलसिला हुज़ूर गौस पाक तक पहुँचा। बस ये साबित है कि क़ुतबी से क़ादरी सिलसिला है और क़ादरी से तमाम सलासिले रूहानी जोड़ दिया गया है। हज़रत इमाम मोहम्मद नफ्स ज़किया अलैहिस्सलाम की ज़ौजा सैयदा सलमा बिनत मोहम्मद इब्ने हज़रत हसन मुसन्ना से आपके शहज़ादे हज़रत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर रहमतुल्लाह अलैह उर्फ अब्दुल्ला शाह गाज़ी पैदा हुए, जो आपके जानशीन हुए, जो आपकी खिलाफत और तहरीक अलवी के इशात के खातिर मदीने मुनव्वरा से सिंध तशरीफ़ लाए, जिनकी मज़ार मुबारक आज क्लिफ्टन कराची पाकिस्तान में 1280 साल से मर्ज खलायक ख़ास व आम बनी हुई है। इन्हीं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के 11वें पुश्त में हज़रत गौसुल आलमीन बादशाह मतलक अमीर कबीर सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद मतनी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जो हुज़ूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे भी हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सूफियों का इमाम और गाजियों का अमीर बनाया, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंद की विलायत अता करके ये इरशाद फरमाया कि ऐ फरजंद कुतुबुद्दीन, हिंदुस्तान में इस्लाम की इशात तुम्हारे हाथों होगी और वहाँ परचम इस्लाम तुमसे फहरेगा। चुनानचे इसी बशारत नबवी के तहत आप हिंदुस्तान आए और कड़ा में सकूनत अख्तियार किया। बस तारीख इस पर शाहिद है कि आपका और आपकी औलादों यानी सादात क़ुतबी का अदब व एहतराम हर वली और बादशाह बजा लाता रहा है, और हर खास व आम ने इस ख़ानदान आलिया से फैज़ हासिल किया है।